दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के बैन करने की बात की जा रही है। क्या दोस्तों ये प्लेटफॉर्म बैन होंगे और वो कौन से थे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको इन प्लेटफॉर्म ने फॉलो नहीं किया? क्या हम सभी के व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएंगे? दोस्तों जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मैं कास सैनी स्वागत करता हूँ आपका असल एजुकेशन में। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएटरी है। दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पर कंटेंट डालने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसा कंटेंट डाल रहा है। अगर दोस्तों वो अच्छा कंटेंट डाल रहा है या फिर बुरा कंटेंट डाल रहा है, उसका इफेक्ट कंटेंट डालने वाले पर ही पड़ता है। इसके अंदर दोस्तों प्लेटफॉर्म की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके साथ ही दोस्तों जो प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएटरी नहीं होते हैं उसके अंदर दोस्तों प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पर डाले जा रहे हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्लेटफॉर्म लेता है। दरअसल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप दरअसल इंटरमीडिएटरी है, यानी कि दोस्तों इस पर कंटेंट डालने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसा कंटेंट डाल रहा है और उस पर ही उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को पब्लिश किया था। तो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन यूजर के सब्सक्राइबर 50 लाख से ज्यादा हैं उनके खुद का उनका एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। इसके साथ ही उनका एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी होना चाहिए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्लेटफॉर्म ने अब तक फॉलो नहीं किए हैं। क्या ये प्लेटफॉर्म बैन हो जाएंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो फेसबुक और गूगल ने कहा है कि वो सरकार के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बैन नहीं होंगे। दोस्तों ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म है और इनके इतने ज्यादा यूजर हैं तो ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को जरूर फॉलो करेंगे और उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो जो पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे और अब इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत तो इंस्टाग्राम पे अपनी रील तैयार कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप के बारे में कुछ भी खास तरीके से नहीं कहा जा सकता कि क्या ये बैन होगा या नहीं होगा। व्हाट्सएप ने कहा है कि इन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से उनकी प्राइवेसी एंड हो सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ भी अपने खास तरीके से नहीं कहेंगे क्या ये बैन होंगे या नहीं होंगे। और जहां तक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये बैन होंगे, इसलिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि इन प्लेटफॉर्म पर रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों लगाए जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर सोशल मीडिया पर करोड़ों यूजर्स हैं जिसके कारण कोई भी फेक न्यूज़ पब्लिश कर सकता है या फिर किसी ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी हेट फैलाया जा सकता है। इसके कारण दोस्तों इन प्लेटफॉर्म पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।